पार्टीशन हॉरर्स। पहले तो मैं अपनी तरफ से, जैसा मैंने कहा कि जितने भी संग एंड अनसंग हीरोज थे जिन्होंने पार्टीशन स्वतंत्रता से पहले अपने जीवन को बलिदान किया, और उन सारे लोगों को जिन्होंने पार्टीशन के समय दर्द झेला, उनके लिए मेरी पुष्पांजलि। ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक जो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उसके तत्वाधान में एक एग्जीबिशन लॉन्च की गई है, और जो मैं इसको समझ पाया 52 स्लाइड्स की एग्जीबिशन है, और जिसको हम अभी सभी के साथ यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। पूरे साल ये एग्जीबिशन रहेगी, सरकार ने तो ये कहा कि 15 तारीख तक तो रहना है, हमने इस दो वर्ड को कहा कि पूरे साल रहेगी, लोगों को मालूम चले। इससे दो तरीके की हमें मैसेज मिलते हैं। पहला मैसेज तो कि आज़ादी सस्ते में नहीं मिली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत सारे परिवारों में दर्द है, और हम जो इस समय जिनकी उम्र 50 साल तक है, उनको शायद वो कहानी बताने के लिए लोग रहे ही नहीं, और हमारे विषय सब्जेक्ट में भी वो कहानी बड़ी छोटी में बताई गई। तो इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम वो देख पाएंगे कि कौन सा दर्द झेला और कितने लोगों ने जाने गंवाई। 5 लाख लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है मेरे पास, इस एग्जीबिशन में दिखाया गया है, और ये आंकड़ा तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, और इस आंकड़े के साथ जो दर्द है वो कैसा रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस एग्जीबिशन से ये एक बात तय हो जाएगी कि जो दर्द हुआ उससे हम क्या सीखें। आगे आने वाले समय में अगर कभी ऐसी अनैतिक, मैंने ये वर्ड यूज़ किया सोच समझ के, अनैतिक, ये राष्ट्रद्रोह जैसा मसला हो गया कि कोई देश का विभाजन करे, तो ऐसे अनैतिक और अनायास प्रयास करे तो कौन सा दर्द लेकर आएगा, ये देखने की आवश्यकता थी। और दूसरी, हम एग्जीबिशन से अपने युवा साथियों को ये बता सकें कि देखो बच्चों, ये जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और जैसे तैसे हम कमेंट कर देते हैं, बातें कर देते हैं, ये इतना आसान नहीं था, उस दर्द को महसूस कर सकें, ये एक शिक्षा का प्रकल्प है। इसके लिए हम लोगों ने ये एग्जीबिशन लगाई है, और आप देख रहे हैं कि लोग देख रहे हैं, और ये साल भर चलेगी। अभी रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा है, और मैं भी इस बात से बड़ा खुश हूँ कि उन्होंने अच्छा ऐसा सोचा कि हम सारे बच्चों को स्कूल में बुला बुला के दिन स्लॉट बना लेंगे, हम बसेस भी भेज देंगे, और बच्चों को ये एग्जीबिशन दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने मीडिया के युवा साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप इस इवेंट को कवर करने के लिए आए, और अच्छी चीज़ों को आप दिखाते रहें, देश को जोड़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है। जय अरुणाचल, जय भारत। जी अच्छा, हम अपील, हम लोगों ने ये किया है कि देखिए, RGU हमेशा से, RGU की बात मत करिए आप, अगर आप बात करें तो अरुणाचल की बात करिए। अरुणाचल एज ए होल, एक तो हम हिंदी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरी ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय पर्वों को हम ठीक से मनाते आए हैं, और ये जो प्रकल्प है हर झंडा हर घर झंडा प्रोग्राम, ये तो 75 साल हो रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव है। इसके लिए RGU ने दो गांवों में, हमने 5 गांव सोचे थे, लेकिन 2 गांवों में हम झंडे के साथ स्वीट्स के साथ भेजेंगे, गांव बूढ़ा लोगों को हम यहाँ भी इन्वाइट करेंगे, उन गाँवों में भी झंडा हम फहराएंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी सारे डीन्स, सारे HODs और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे हम झंडा बनाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि इस झंडा लगाने में सरकारी धन का उपयोग नहीं किया गया है, इसमें धन, जैसे मैंने 10,000 रुपये इस झंडों खरीदने के लिए दिया है, ऐसे ही कुछ बैंक ने दिया है, कुछ और लोगों ने डोनेट किया है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, किसी को ये धन के बारे में अगर सोचना है तो वो ये जान ले कि इसमें सरकारी धन का उपयोग नहीं हुआ है, और हर घर झंडा हम लगाएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि देश के लिए एक निश्चित भविष्य सुनिश्चित करें और देश के साथ जुड़ के रहें, ऐसी मेरी कामना है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया गया ना, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव का तौर पे, तो ये एग्जीबिशन हम लोग, हालांकि अभी पार्टीशन का ऊपर में एक्सक्लूसिवली दिखाया गया है, इसका साथ में ये तो चलेगा हम लोग जब तक ये प्रोग्राम 15 अगस्त तक हम लोग ये हर घर तिरंगा वाला प्रोग्राम का साथ में इसको क्लब करके कर रहा है। तो आगे हम लोग क्या करेगा, ये ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन के तौर पे बाकी चीज़ जो इंडिपेंडेंस में
जैसा हमारा फ्रीडम फाइटर्स, हमारा लीडर्स लोग महात्मा गांधी से लेके जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया उसका ऊपर भी हम लोग अनेक प्रकार का प्रोग्राम तो हो रहा है। इधर एग्जीबिशन में भी हम लोग आगे इंक्लूड करने का हम कोशिश करेगा। ऐसा करके हम लोग या कॉलेज यूनिवर्सिटी का तो है, उसका अलावा जितना एडजॉइनिंग विलेजेस और स्कूल स्टूडेंट्स इन लोग को एक्सेस करेगा। इन लोग को छुट्टी का दिन में हम लोग टाइम स्लॉट देख के इन लोग को आने के लिए या निमंत्रण करेगा। ये मेनली हम लोग अच्छा मैसेज पास ऑन करने के लिए। ये पार्टीशन ऐसा नहीं कि उसको हम इनकरेज करें, ये उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है वो मतलब उसको बराबर, ऐसा नहीं। हम लोग पॉजिटिव मैसेज को वहाँ से ड्रॉ करके आगे हम लोग ये चीज़ मतलब पार्टीशन एज सच और हम लोग का क्लेसेस ना कम्युनल लाइन में, कास्ट क्रीड रीजन लाइन में लेके हम लोग को बीच में क्लेश नहीं होना चाहिए आपस में, मतलब ऐसा नहीं होना। ये इसका पर्पज यही है, उसको दूसरा ढंग से मतलब उस समय का जो पार्टीशन हुआ है, तकलीफ हुआ है, जो मार मतलब आदमी कथाकुथी मारपीट जितना हुआ है उसको हम लोग दिखा के मतलब उसको ये करने का ऐसा कतई मकसद नहीं है। वो चीज़ रिपीट नहीं होना है, ये हम लोग का मकसद है। उसको हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स को और बस्ती वाला लोग को बता के आगे हम लोग कैसा मतलब मिलके रहे, ये सब मैसेज देने का ही पर्पस है ना।